नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनपद उन्नाव के ग्राम चंद्रिका खेड़ा विकासखंड फतेहपुर 84 में आजादी के अमरनायक शहीद गुलाब सिंह लोधी के स्मारक का लोकार्पण व भव्य मूर्ति का अनावरण तथा जवाहर नवोदय विद्यालय काली मिट्टी में आयोजित कार्यक्रम में 241.26 करोड़ की लागत की कुल 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद गुलाब सिंह लोधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने ग्राम चंद्रिका खेड़ा के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर देश में अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने 1935 में भारत के झंडे को लखनऊ के अमीनाबाद में फहराकर देश की आजादी का उद्घोष किया था। आज वह स्थान झंडा पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम जिस आजादी व लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, यह सब हमारे शहीदों की शहादत का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया गया है तथा शान से हर घर तिरंगा लहराया गया है। इसी तरह आजादी के शताब्दी वर्ष में हम सब विकसित भारत का आनंद ले रहे होंगे। हम सब का संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। इसके लिए हम सभी को पंचकरण की शपथ को अपनाना होगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करना तथा बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। भारत ने पिछले 10 वर्ष में मोदी के नेतृत्व में कई ऊंचाइयों को छुआ। आज भारत दुनिया का नेतृत्वकर्ता दिखाई दे रहा है। अमृतकाल में ही देश पर 200 वर्ष तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। विकसित भारत बनाने के लिए हमें चंद्रिका खेड़ा जैसे प्रत्येक गांव को विकसित करना होगा। आज के भारत में सुरक्षा, समृद्धि, आजीविका एवं आस्था सभी को सम्मान दिया जा रहा है। आज प्रदेश में हर जगह भयमुक्त वातावरण है, जिसकी वजह से बाहर के उद्यमी यहां बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्नाव प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हसरत मोहानी, चंद्रशेखर आजाद आदि की धरती है। क्रांति से लेकर साहित्य की उपासना यहाँ की मुख्य पहचान है। उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का विगुल फूंके थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है। और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति का क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहां की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।